वेलकम बैक एंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेट अपडेट में। तो आज यहाँ पे बात करेंगे नागपुर यूनिवर्सिटी को पूरे 100 साल कंप्लीट होने जा रहे, एक लंबा इतिहास लेके अब नागपुर यूनिवर्सिटी के सेंचुरी ईयर में पदार्पण करने जा रहे। तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे हम दिखाएंगे आप लोगों को, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं कि लंबा इतिहास यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी का रहा है, तो इसको हम शॉर्टली यहाँ पे देखने वाले हैं। वंश के लोग नागपुर नगरी के पूर्वज माने जाते हैं, इसी कारण नागपुर विश्वविद्यालय के बोध चिन्ह पर नाग प्रतिमा अंकित है। नागपुर शहर देश भर में संतरा नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन देश के केंद्र स्थल पर आरूढ़ नागपुर नगरी का मस्तिष्क है राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। आज राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र 11 विश्वविद्यालय परिसर, 46 स्नातकोत्तर विभाग, 3 संगठक महाविद्यालय, 1500 से अधिक संलग्न महाविद्यालय और सैकड़ों एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय को नैक से ए ग्रेड प्राप्त है। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ का सभासद है। आज राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय में अनेकानेक स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। अनेक विषयों के आचार्य स्तर के पाठ्यक्रम भी राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में निरंतर विद्यमान है। विश्वविद्यालय अपने शताब्दी पर्व को मनाने जा रहा है। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का प्रशासन सक्षम और कार्यकुशल है। पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्वविद्यालय के प्रशासन को विश्वविद्यालय का संरक्षक माना जाता रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्मुख बहुत सी चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों का सामना करता हुआ प्रशासन विश्वविद्यालय को कुशलता से संचालित कर रहा है। माननीय रजिस्ट्रार, विद्या शाखाओं के डीन्स, डायरेक्टर इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन, डायरेक्टर आजीवन शिक्षा एवं विस्तार, डायरेक्टर एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, डायरेक्टर नॉलेज रिसोर्स सेंटर। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की आज की विस्तार यात्रा गंगोत्री के रूप में शुरू होती है। लगभग 100 साल पहले सन 1885 में नागपुर में कोलकाता विश्वविद्यालय से संलग्नित मॉरिस कॉलेज की स्थापना हुई। मॉरिस कॉलेज की स्थापना यही नागपुर विश्वविद्यालय के निर्माण की गंगोत्री मानी जाती है। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान तथा कानून विभाग थे। कानून विभाग के अध्यापक सर विपिन कृष्ण बोस थे। वे नागपुर विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति बने। 1914 में पहला महायुद्ध आरंभ हुआ और उसके कारण विश्वविद्यालय की स्थापना को बड़ा झटका लगा। सन 1920 में पुनः विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयासों को गति प्राप्त हुई और अंततोगत्वा 4 अगस्त 1923 को विश्वविद्यालय कानून के तहत नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्थापना के समय नागपुर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ मात्र 6 महाविद्यालय थे और इनमें पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या थी मात्र 917। इसी गंगोत्री ने आज विश्वविद्यालय रूपी विशाल गंगा का रूप धारण किया है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो नागपुर विश्वविद्यालय की विकास यात्रा के 5 महत्वपूर्ण पादान माने जा सकते हैं। सन 1923 से 1947 तक का आरंभिक चरण, सन 1947 से 1966 तक का दूसरा चरण, सन 1966 से 1975 तक का तीसरा चरण,
सन 1976 से 1998 तक का चौथा चरण और 1999 से आज तक का पांचवा चरण। सन 1929 से लेकर 1932 तक डॉक्टर जे एफ मैकफाइडन नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उन्होंने विश्वविद्यालय की नींव को मजबूती प्रदान की और सीनेट व्यवस्थापन में भारतीय नागरिकों का समावेश किया। उनके परिश्रम और अचूक निर्णय क्षमता के कारण उन्हें गोल्डन ओपिनियन इस सम्मान से नवाजा गया। विश्वविद्यालय को लोकाभिमुख बनाना उनका सपना था। उसके पश्चात श्री भवानी शंकर नियोगी सन 1932 से लेकर 1936 तक नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। उनके प्रयासों के कारण विश्वविद्यालय को स्थिरता मिली। सन 1936 से लेकर 1938 तक हरि सिंह गौर जी नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लक्ष्मी नारायण तंत्र संस्था का निर्माण। सन 1930 में राव बहादुर डी लक्ष्मी नारायण जी ने 35 लाख रुपयों की धनराशि नागपुर विश्वविद्यालय को प्रदान की थी, जिससे लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। LIT केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है। ये भारतवर्ष की केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2000 से अधिक भूतपूर्व विद्यार्थियों की संगठना सक्रिय रूप से कार्यरत है। उनमें से कई पूर्व छात्रों ने देश विदेश में नाम कमाया है। रोजगार निर्मिति और राष्ट्र निर्माण में इन पूर्व छात्रों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सन 1938 से लेकर 1944 तक डॉक्टर टीजे केदार नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। सन 1938 में वंदे मातरम आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 150 विद्यार्थियों को निष्कासित किया था। उन सभी विद्यार्थियों को नागपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश देने का तथा उनके इम्तिहान लेने का अभूतपूर्व निर्णय उपकुलपति डॉक्टर टीजे केदार ने लिया था। इसके अलावा हैदराबाद के निर्वासित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश देकर उनके भी इम्तिहान 1939 में नागपुर विश्वविद्यालय से करवाने का निर्णय भी उपकुलपति डॉक्टर टीजे केदार का था। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी थे PV नरसिंह राव, जो सन 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का पितामह माना जाता है। इसके अलावा 14 अगस्त 1943 में हुए विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में उपकुलपति डॉक्टर टीजे केदार ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को विश्वविद्यालय की मानद डिलीट प्रदान करने का निर्णय लिया, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साहसी कदम था। जनवरी 1947 में पंडित कुंजीलाल दुबे नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उस दिन उनके कर कमलों द्वारा दीक्षांत सभागृह के सामने भारत का तिरंगा फहराया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ खेलों की ओर भी ध्यान देना आरंभ किया। सन 1950 से लेकर 1957 तक हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस, इन खेलों में नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने महान सफलता अर्जित की। सन 1964 से 1966 तक जस्टिस PP देव विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय का नया क्रीड़ांगण तैयार हुआ और धर्मपेट साइंस महाविद्यालय का निर्माण हुआ।
सन 1966 से लेकर 1972 तक डॉक्टर वीवी कोलते विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। वे महानुभाव दर्शन के गाढ़े अभ्यासक थे। विश्वविद्यालय में संवाद भाषा के रूप में मराठी को महत्व दिलाने में उनका अतुलनीय योगदान था। विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग का निर्माण उनका सपना था। उन्होंने जर्नलिज्म विभाग की स्थापना की, जो आज जनसंवाद विभाग के नाम से जाना जाता है। नागपुर विश्वविद्यालय का सुवर्ण महोत्सव सन 1973 में मनाया गया। उस समय एलआईटी के निर्देशक डॉ. पीएस मेने विश्वविद्यालय के प्रभारी उपकुलपति थे। सन 1976 से 1998 तक का नागपुर विश्वविद्यालय का सफर बहुत सफल सफर माना जाता है। इस काल में विश्वविद्यालय के संलग्न महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 139 हुई। विश्वविद्यालय के 4 अधीनस्थ महाविद्यालय और 31 विभाग इस समय में कार्यरत थे। विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के म्यूजियम का उद्घाटन दिवंगत ज्ञान योगी डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार के करकमलों द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय के इस म्यूजियम में विदर्भ प्रदेश की प्राचीन कला तथा सांस्कृतिक धरोहर को अध्ययन हेतु सुरक्षित रखा गया है। ये धरोहर विश्व की अद्वितीय धरोहर मानी जाती है। देश विदेश के विद्यार्थी हर साल इस म्यूजियम को अनुसंधान और शिक्षा की दृष्टि से देखने के लिए आते हैं और अभिभूत हो जाते हैं। सन 1976 से 1998 तक के कालखंड में विद्यार्थियों की संख्या 63,140 हुई और परीक्षार्थियों की संख्या 1,13,000 हुई। डॉक्टर डी वाई गोहकर, श्री डब्ल्यू एम काळमेघ तथा श्री जी बी कदम इस कार्यकाल में विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। डॉक्टर मधुसूदन चांसरकर, डॉक्टर एम जी बोकरे, डॉक्टर पी एल भंडारकर, प्राचार्य एम टी गाभे, डॉक्टर बी बी चोपणे, डॉक्टर ए एस सातपुतळे, डॉक्टर एस एन पठान, डॉक्टर विलास सपकाळ, डॉक्टर एस पी काणे और डॉक्टर सुभाष चौधरी, इन महानुभावों ने उपकुलपति के रूप में विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा को अपने अपने कार्यकाल में निरंतर प्रगति पथ पर मार्गस्थ किया और विश्वविद्यालय की विकास यात्रा की निरंतरता को बरकरार रखा। 1991 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म शताब्दी महोत्सव नागपुर विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। नागपुर विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव का उद्घाटन 4 अगस्त 1998 को तत्कालीन अर्थमंत्री महादेवराव शिवनकर जी के करकमलों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को तत्कालीन उपकुलपति भालचंद्र चोपणे, आयोजक डॉक्टर अरुण सातपुतळे इत्यादि मान्यवर उपस्थित थे। अमृत महोत्सवी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय को 285 महाविद्यालय संलग्न थे। 10 विद्या शाखाएं और 37 पदव्युत्तर विभाग कार्यरत थे। उस समय विद्यार्थियों की कुल संख्या थी 2,75,000। अक्टूबर 2002 में ऑल इंडिया वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दिनांक 4 मई 2005 से नागपुर विश्वविद्यालय का नामकरण राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय किया गया। 13 दिसंबर 2005 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख इनकी प्रमुख उपस्थिति में ये नामकरण एक भव्य समारोह में किया गया। इस कार्यक्रम के लिए राज्य के माननीय मंत्री तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नागपुर विश्वविद्यालय का नामांतरण कोई सतही नामांतरण नहीं था। टुकड़ोजी महाराज की ग्राम गीता में बतलाए गए ग्राम रक्षण, ग्राम आरोग्य, जीवन शिक्षण, महिला उन्नति, ग्राम निर्माण आदि तत्वों के अनुसार विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को निर्धारित करे, ये नामांतरण का उद्देश्य था।
राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज जीवन शिक्षण अभियान, शिष्यवृत्ति, व्याख्यानमाला और साहित्य सम्मेलनों का आयोजन राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। 2006 में लक्ष्मीनारायण तंत्र शास्त्र संस्था के नवीन सभागार की आधारशिला रखी गई। 27 तथा 28 दिसंबर 2008 को सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक शांतता परिषद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के करकमलों द्वारा किया गया। माननीय राज्यपाल, उपकुलपति और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में प्रमुखता से सम्मिलित हुए थे। सांप्रदायिक सद्भावना और सामाजिक शांतता परिषद ये विश्वविद्यालय के इतिहास में एक ऐतिहासिक परिषद थी। इस परिषद में राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज अध्यासन की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपयों का अनुदान देने का आश्वासन महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। ग्राम गीता भवन का उद्घाटन 30 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल माननीय विद्यासागर राव के करकमलों द्वारा किया गया। 27 फरवरी 2008 को क्रांति चक्र की अमर यात्रा का मंचन बाबा साहेब पुरंदरी जी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। 28 अप्रैल 2013 को विश्वविद्यालय में वंदनीय राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज जी के पुतले का अनावरण किया गया। यदि विश्वविद्यालय के पिछले लगभग 100 वर्षों के इतिहास को गौर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक गौरवशाली इतिहास है। शिक्षा को उद्योग व्यापार से जोड़ने का विश्वविद्यालय का इतिहास है। अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला इंटीग्रेटेड इनोवेटिव और इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री कोर्सेज को बढ़ावा देने वाला विश्वविद्यालय का इतिहास है। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक जीव फॉर्मलिन में सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ मानवीय कंकाल तो अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं ही, लेकिन व्हेल फिश का कंकाल भी सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि वो मैमल अर्थात स्तनधारी जीवों में वर्गीकृत है। मानव का 3रे, 5वे, 6ठे और 9वे महीने का गर्भ विद्यार्थियों द्वारा विकास क्रम का अध्ययन करने हेतु यहाँ सुरक्षित रखा गया है। नागपुर विश्वविद्यालय का जियोलॉजी अर्थात भू विज्ञान विभाग लगभग 75 साल पुराना है। यहाँ प्राचीन जीवों और जीवाश्मों का जतन किया गया है। डायनासोर प्रजाति के अंडे, डायनासोर के पैर की हड्डियां यहाँ जतन की गई हैं। विदर्भ प्रदेश के प्राचीन वृक्ष जो अब फॉसिल्स में तब्दील हो चुके हैं तथा प्राचीन खनिज धातुओं को यहाँ संभाल कर रखा गया है। वर्तमान समय में समर सेशन में लगभग 900 तथा विंटर सेशन में लगभग 800 परीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। इन परीक्षाओं में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने आज तक भारतवर्ष के चुनिंदा गणमान्य व्यक्तियों को मानद डीलिट, डीएससी और एलएलडी उपाधियों से नवाजा है। उनमें से कुछ गणमान्य नाम है श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, सी राजगोपालाचारी, पंडित रविशंकर शुक्ला, श्रीमती इंदिरा गांधी, एम हिदायतुल्ला, लता मंगेशकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा आमटे, वी शांताराम। विश्वविद्यालय के विभाग तो ज्ञान के कोश है।
46 विभागों के 56 पाठ्यक्रम निरंतर विश्वविद्यालय की निगरानी में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू दिस मॉर्निंग्स न्यूज बुलेटिन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। द हेडलाइंस आर द यूनिवर्सिटी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस आर ऑल सेट टू बी इनॉग्रेटेड ऑन 4th of August 2022। A new logo for centenary celebrations has been launched. Now, the news in details. आणि आता बातम्या सविस्तर। शताब्दी वर्षामध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला सुमारे 50 वर्षांनंतर देशातील सर्वात मोठा वैज्ञानिक सोहळा असणाऱ्या 108व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या आयोजनाचा बहुमान प्राप्त झालेला आहे। जानेवारी 2023 मध्ये आयोजित या मेळाव्याचे उद्घाटन पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडणार आहे। या कार्यक्रमाचे आयोजन यशस्वी रीतीने पार पाडण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत। या भव्य आयोजनामध्ये देश विदेशातील सुमारे 10,000 अधिक नामवंत शास्त्रज्ञ विद्यार्थी आणि प्राध्यापक उपस्थित राहणार असून सोबतच यामध्ये नोबेल विजेत्यांचा देखील समावेश असणार आहे। विश्वविद्यालय में स्थापित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन, रवींद्रनाथ टागोर अध्यासन, चक्रधर स्वामी अध्यासन तथा राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज अध्यासन, ये विश्वविद्यालय के ऐसे शक्तिपीठ है जिनके आलोक में आज विश्वविद्यालय की शिक्षा यात्रा निरंतर प्रगति के पथ पर आरूढ़ है। समाज के हर ऐसे तबके तक शिक्षा की गंगा को पहुंचाना जहां अभाव है, विपरीत हालात हैं, ये विश्वविद्यालय का सपना है। वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाना ये विश्वविद्यालय की सोच है। वर्तमान और भविष्य की शिक्षा की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए निरंतर सजग रहना ये विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिक कारगर पर्याय उपलब्ध हो, इसके लिए सन 2015-2016 से नागपुर विश्वविद्यालय ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया। विद्यार्थियों को लगभग 42 पाठ्यक्रमों का विकल्प देकर इंटर डिसिप्लिनरी शिक्षा को राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने बढ़ावा देने का निर्णय लिया। ये सारे पाठ्यक्रम विद्यार्थी, एम्प्लॉयर्स, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, अध्यापक, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि आदि स्टेक होल्डर से सलाह मशविरा करने के उपरांत डिजाइन किए गए हैं। 26 सितंबर 2014 को राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का 100वां पदवीदान समारोह संपन्न हुआ। भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम इस समारोह के प्रमुख अतिथि थे। विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का ये एक स्वर्णिम क्षण था। विश्वविद्यालय के 100वें पदवीदान समारोह में डॉक्टर कलाम के करकमलों द्वारा भारतीय संगणक शास्त्रज्ञ डॉक्टर विजय भटकर को मानद डिलीट की उपाधि से नवाजा गया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय शरद अरविंद बोबड़े को विश्वविद्यालय के पदवीदान समारोह में 2 बार आमंत्रित किया गया, एक बार प्रमुख अतिथि के तौर पर और दूसरी बार जब उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लॉ अर्थात LLD की उपाधि प्रदान की गई थी। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के मैदानों में सफलता दिलाने में बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े, ईश्वर बाबू देशमुख, सरदार अटल बहादुर सिंह, श्रीमती कुंदाताई विजयकर जैसे अनेकानेक महानुभावों ने अपनी भूमिका निभाई है। शारीरिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्मित सिंथेटिक ट्रैक मध्य भारत का सबसे आधुनिक ट्रैक माना जाता है। आने वाले निकट भविष्य में ये विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बैडमिंटन का इंडोर हॉल शारीरिक प्रशिक्षण विभाग की निगरानी में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।
सिंथेटिक सरफेस के 4 कोर्ट्स यहाँ बनवाए गए हैं। अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं। सुबेदार क्रीड़ा सभागृह विश्वविद्यालय का ऐसा अनूठा सभागृह है जिसके साथ खिलाड़ी भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। नागपुर विश्वविद्यालय के छात्र संजय बलवंत उपाख्य भाऊ काणे मैदानी खेलों के प्रशिक्षक के नाते तथा सीताराम भूतमांगे जी को हैंडबॉल खेलों के प्रशिक्षक के नाते महाराष्ट्र शासन द्वारा दादोजी कोंडदेव पुरस्कार से नवाजा गया। दोनों ने अनेक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए ट्रेनिंग दी। नागपुर विश्वविद्यालय की छात्रा माधुरी गुरनुले ने 1996 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में और आयरलैंड के बेलफास्ट में विश्व क्रॉस कंट्री रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सन 2005-2006 में दिव्यांग जोगिंदर सिंह बेदी जी को उनके खेलों में योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। केवल खेल कूद में ही विश्वविद्यालय ने महारत हासिल की ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में विश्वविद्यालय को लगभग 51 पेटेंट्स मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने ग्रंथालयों का त्रिस्तरीय ढांचा निर्माण किया है। वीवी कोलते सेंट्रल लाइब्रेरी, नरसिंह राव डिजिटल लाइब्रेरी और विभिन्न विभागों के अपने ग्रंथालय, ऐसी त्रिस्तरीय रचना विश्वविद्यालय में विद्यमान है। ज्ञान के ये स्रोत विद्यार्थियों की मदद करने के लिए हमेशा प्रवाहित रहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत नागपुर विश्वविद्यालय में सन 1969-1970 से हुई। आज ये NSS संगठना अपना सामाजिक दायित्व निर्वहन का कार्य जोर शोरों से कर रही है। अनुभवी अध्यापक इस संगठन के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वृक्षारोपण, तालाबों की निर्मिति, गंदगी भरी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को स्वच्छता का महत्व समझाकर उन्हें स्वच्छता के लिए उद्युक्त करना, ऐसे कई कार्यक्रमों ने विश्वविद्यालय को समाज जीवन से जोड़ा है। आजीवन शिक्षा और विस्तार विभाग के तहत विगत कई वर्षों से राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय लोक जागृति और साक्षरता का महत् कार्य कर रहा है। पर्यावरण रक्षण, मानवाधिकारों का रक्षण, प्रौढ़ साक्षरता, लोक संख्या नियंत्रण शिक्षण, ग्राहक संरक्षण आदि अनेक कार्यों के प्रति समाज मन को जागरूक करने वाला ये विश्वविद्यालय का विभाग है।